अरे बेबो, ओ चोरी कर रहा, चोरी चोरी कर रहा, चोरी। आजकल दुनिया भर में चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ रही है कि लाख कोशिशों के बावजूद इन पर लगाम नहीं कस रहा। चोरों का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर है, जिसका लेवल इतना बढ़ चुका है कि चाहे दिन हो या फिर रात, होशियार चोर तो अपना काम करके ही छोड़ते हैं। लेकिन चोर चाहे कितने भी होशियार क्यों न हो, कमबख्त सीसीटीवी उनकी सारी होशियारी को नजर लगा देता है। फिर जो उसमें दिखता है वो बड़े बड़ों को हैरान कर देता है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं कॉट ऑन कैमरा पार्ट वन, जिसमें सीसीटीवी में कैद इन शातिर चोरों के कारनामे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। चोरी चाहे चिंदी हो या फिर लाखों की, चोरी ही कहलाएगी। इस घर के बाहर एसी आउटडोर पर जूते रखे हुए हैं। तभी पास से गुजर रहे इस पड़ोसी का दिल इन जूतों पर आ गया, जिसके बाद इसने जूते उठाकर अपने घर में फेंक दिया। ऐसे ही एक और चिंदी चोर को देखिए, जिसने गटर के ऊपर लगी जाली को उठाया और बड़ी मशक्कत के बाद इसे स्कूटी पर लादकर खुद उसके ऊपर बैठकर चलते बना। चोरों का हौसला आजकल इतना बुलंद होता जा रहा है कि ये दिन दहाड़े ही चोरियां करने लगे हैं। देखिए कैसे चलते ट्रक के पीछे चढ़कर ऐसे चोरी कर रहे हैं जैसे माल इनके घर का और इनके बाप का हो। पीछे चल रहे गाड़ी वाले ने इन्हें डांटा तो उसे वहां से कट लेने की बात कर रहे हैं। वो तो भला हो इस गाड़ी वाले का, जिसने ट्रक ड्राइवर को बता दिया, नहीं तो इस चोरी का पता ही नहीं चलता। अरे बेबो, ओ चोरी कर रहा, चोरी चोरी कर रहा, चोरी। ये स्टाइलिश लड़का कोई और नहीं बल्कि एक चिंदी चोर है, जिसने स्कूटी पर टंगे हेलमेट की चोरी करके चोर बिरादरी का नाम बदनाम करने का काम किया है। अपने इस कारनामे पर खुश हो रहे इस चिंदी चोर के लिए हाथ थू। अब पेट्रोल चोरी का एक और गजब वीडियो देखिए, जिसमें एक बंदे ने अपनी अकल का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप वालों की चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देख बड़ा, देख बड़ा, और बढ़ने दे, और बढ़ने दे। ये देख लो जी, ये आदमी, ये मशीन, ये देखो नोजल इसके हाथ में की तेल की बूंद की, हाथ में नोजल है, तेल के पैसे बढ़ रहे हैं, चोर बाजारी चल रही है चौड़े में, अभी और बढ़ेगा। चोरियां सिर्फ लड़के ही नहीं करते, कुछ लड़कियां भी चोटी होती। इस स्कूटी गर्ल का प्लान इन गमलों को चुराने का था। वो स्कूटी पर बैठे बैठे जैसे ही गमला उठाने लगी, वैसे ही गलती से स्कूटी की रेस घूम जाती है, बोले तो चोरी की ऑन द स्पॉट सजा। अब जरा सजी धजी इन दो मोहतरमाओं पर गौर फरमाइएगा। ये दोनों ही ब्रेड के इस पैकेट पर धाक लगाए खड़ी है। जैसे ही दुकानदार दूसरी तरफ गर्दन घुमाता है, वैसे ही उस पैकेट को बड़ी ही होशियारी से चुरा लेती है। मैडम की चालाकी तो देखिए, साइड में रखे दूसरे पैकेट को वहां रख देती है ताकि दुकानदार को शक ना हो। अरे बहन, कहां से लाती हो इतना दिमाग। कुछ प्रोफेशनल चोरनियां तो इतनी बन ठन कर आती है कि उन्हें देखकर कोई शक ही नहीं कर सकता। ये मैडम इसी तरह की शातिर चोरटी है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्वेलरी खरीदने पहुंचती है। वो पहले तो काफी देर तक ज्वेलरी पसंद नहीं आने का नाटक रचती है, फिर शॉपकीपर से कुछ और ज्वेलरी दिखाने को बोलती है। इसी बीच जब दुकानदार दूसरी तरफ घूमता है तो वो बड़ी चालाकी से एक बॉक्स को उस काउंटर पर पड़े नेकलेस पर डाल देती है, ताकि जाते वक्त उसे साथ ले जा सके। इस पूरी घटना के दौरान वो कई बार इधर उधर देखती है कि कोई उसे नोटिस तो नहीं कर रहा, लेकिन वो नहीं जानती कि वहां लगे सीसीटीवी में उसकी सारी हरकतें कैद हो रही है। अंत में वो सारे हथकंडे अपनाने के बाद वो बॉक्स लेकर चलती बनती है। लेकिन ये क्या, उस ज्वेलरी के बॉक्स को तो रस्सी से बांधा गया था। ये दुकानदार तो इस लड़की से भी चालू निकला। जब ये बात इस चालाक चोरनी को पता चली तो बक्सा अपने बॉयफ्रेंड को थमाकर 9-2-11 हो गई। इतने में दुकानदार का डॉग आ गया और बेचारा बॉयफ्रेंड डॉग के चंगुल में फंस गया। गौर से देखिए मेट्रो के बाहर खड़ी इस मास्क पोश लड़की को, जो मेट्रो के चलने से पहले दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो मेट्रो में आना ही चाह रही है। इस दौरान जैसे ही मेट्रो का दरवाजा बंद होने लगता है, वैसे ही ये लड़की तपाक से इस लड़के का मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो जाती है। ये चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर मोबाइल चला रहा था, तभी एक झटके में चोर ने इसका फोन छीन लिया। बंदा कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया।
ऐसे चोरों को तो ढूंढना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अपने काम को अंजाम देने के लिए चोर नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं, लेकिन अपने बेवकूफियों के चलते वे पकड़े भी जाते हैं। चेन्नई के ये चोर शराब की इस दुकान में होल करके घुस तो गए, लेकिन वहां पड़ी तरह तरह की शराब को पीने से खुद को रोक नहीं पाए, जिसके बाद ये दारू के नशे में टुल्ल हो गए। और जब उसी होल से बाहर निकले तो उनके होश ठिकाने आ गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। इस बेशर्म चोर ने तो हद ही कर दी, जो अपने काम को अंजाम देने के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी के सामने नाचकर ऐसे खुशी जता रहा है जैसे कोई महान काम किया हो। यहाँ यह रेडी वाला जब मूंगफली तोलने में बिजी होता है तो ये खरीदार चुपके से अपनी जेब में मूंगफली भर लेता है। वहीं ये रेडी वाला तो इसका भी गुरु निकला। तोलते समय इसने ग्राहक का ध्यान भटकाकर काफी मूंगफली वापस डेयरी में उड़ेल दी। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। अब मोटे ओवर कॉन्फिडेंट चोर को ही देखिए। लड़की को डराने के लिए वो जैसे ही गन निकालता है, गन उसके हाथ से छूटकर लड़की के हाथ लग जाती है, जिसके बाद ये चोर उल्टे पांव भाग खड़ा होता है। दौड़ते वक्त बेचारी की पैंट भी गिर जाती है। अब जब अपनी पैंट ही नहीं संभाल पा रहा तो क्या चोर बनेगा रे तू। जरा देखिए तो दूल्हे राजा के दोस्त का हाथ कहाँ है। सही पकड़े हैं। दूल्हे के ये जिगरी की नीयत तो नोटों से भरी माला देखकर खराब हो गई। ये बेचारा तो इन नोटों को धीरे धीरे अपने जेब में सरकाकर दूल्हे के गले का भार कम कर रहा है। चल भाग, ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की भी क्या जरूरत। फ्रेम में दिख रहे इस चोर का आज बर्थडे था, लेकिन इस जनाब को अपनी ड्यूटी से कहां फुर्सत थी। ऐसे में बेचारा अपने बर्थडे वाले दिन ही चोरी करते धरा गया। मोहल्ले वालों को जब पता चला जनाब का जन्मदिन है, तो पहले तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और बाद में पुलिस के हवाले किया। भाई गजब हो इंडिया वालों, मनोरंजन में कोई कमी रह गई हो तो बता देना। दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम, हाँ कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। बदलते जमाने के साथ अब चोर भी हाईटेक होने लगे हैं। चोरों ने चोरी के ऐसे ऐसे हाईटेक जुगाड़ बना लिए हैं जिनसे बच पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। दो ऑप्शन है आपके पास, पुलिस या फिर आप मामला यही रफा दफा करोगे। आपने पेटीएम से किया था? हाँ, हाँ, हाँ। आपने क्या किया था सही सही दिखा दो, वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। भाई फोन छीन करके मैं दिखा दूंगा लोगों को, फोन छीन करके मैं लोगों को दिखा दूंगा। मुझे भी पता है इसके बारे में, सच सच बता दो आपने क्या किया है। उसके बाद आप बेशक यहाँ से चले जाना पेमेंट करके। किससे? ओके ऐप। हाँ पेमेंट आपने किया क्या है दोस्तों? देखिए ये एक ऐप होता है, यहाँ पे एक मिनट आप साइड हो जाओ। यहाँ पे आप जिसका भी नाम डालोगे, जैसे NISHA निशांत डाल दिया। अब मैडम ने नाम पहले पूछ लिया था, इसलिए सावधानी बरती आप लोग। आप यही रहो, आप फोन छोड़ करके भी भाग रहे हो, अपना फोन भी ज्यादा कीमती है। यहाँ डाला और अमाउंट मान लो 1250 रुपए, टाइमिंग डाल दिया, ये डाल दिया, ये सबमिट किया। ये देखो मैंने भी कर दिया 1250 का पेमेंट। वाह यार, ये सब स्कैम फ्रॉड आजकल शोभा नहीं देता। आप लोगों को तो जागरूक करना चाहिए लोगों को। ये देखिए भैया, आप लोगों को भी बहुत सतर्क, जी आप लोगों को काफी सतर्क होकर के दुकानदारी करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा कितना लूट जाएगा। दोस्तों चोरी भी कम मुश्किल काम नहीं है, इस वीडियो को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। दरअसल इस चोर ने एक बड़ा टीवी चुरा तो लिया, लेकिन इसे ले जाना इसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। जैसे तैसे गिरते पड़ते ये गाड़ी तक तो पहुंच गया, लेकिन बाद में इसे रखने की प्रॉब्लम। फिर डिक्की में डालना चाहा तो उसमें भी रखने की प्रॉब्लम। फिर से पिछली सीट पर डालने की कोशिश की तो गेट के बंद ना होने की प्रॉब्लम। बाप रे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आखिरकार उसे बिना दरवाजे बंद किए ही टीवी लेकर भागना पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था उसकी सारी करतूत सीसीटीवी में कैप्चर हो चुकी थी। कहते हैं ना, भगवान से तो डरो, वो तो सबको देख रहा है। जबलपुर में लक्ष्मी माता के मंदिर में एक चोर चोरी करने आया तो ये बात नहीं भूला। उसने चोरी करने से पहले तो हाथ जोड़कर माफी मांगी, फिर उन्हीं के सामने रखी दान पेटी चोरी करके फरार हो गया। हे भगवान, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन कई बार तो चोरों को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। बालाघाट में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में
चांदी के छत्र, चांदी का भामंडल, पीतल के तीन भामंडल की चोरी करने वाले चोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उसने बाकायदा उस सामान के साथ यह एक माफीनामा लिखा कि मेरे से जो गलती हुई है उसे माफ करें, मेरे को इस सामान से बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैं इस सामान को वापस रख रहा हूँ, जिसे भी मिले जैन मंदिर में दे देना, मैं एक लापता निवासी हूँ। होटल से टॉवल और शैंपू चोरी होना तो आम बात है, लेकिन क्या हो जब पूरे सूटकेस ही चोरी के सामान से भर लिए जाएं? चेकआउट के बाद इनके सूटकेस चेक किए गए तो पूरा परिवार ही चोर निकला। इनके सामानों में तौलिए, हेयर ड्रायर, साबुन रखने का डिब्बा, मिरर, हैंगर, सजावटी सामान और अन्य चीजें मिली। ये महिला इन होटल कर्मचारियों से कहती भी नजर आई कि हम आपको भुगतान कर देंगे, हमें जाने दीजिए। चोरों के लिए एटीएम मशीन किसी खजाने से कम नहीं होती। तमिलनाडु की एक एटीएम में चोरी की कोशिश करते ये चोर कुछ ऐसा फंसा कि सिवाय पुलिस की मदद लेने के इस चोर के पास कोई दूसरा रास्ता ही ना बचा। लेकिन इस चोर को पुलिस चाहकर भी नहीं पकड़ पाई। पुलिस की इतनी बड़ी टीम इस चोर को छत के इस तरफ ढूंढ रही है, जबकि चोर तो छत के उस तरफ छज्जे पर छिपा हुआ है। न तो इन पुलिस वालों ने दीवार के उस तरफ झांकने की जहमत उठाई और न ही वीडियो बनाने वालों ने पुलिस को बताने की। चोर का ये वीडियो बड़ा झन्नाटेदार है, जिसमें सोने की चैन चुरा कर भाग रहे इस चोर का जब पुलिस ने पीछा किया तो ये सरपट बिजली के हाई वोल्टेज तारों पर चढ़ गया। ये मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप गई। लेकिन काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने इस बदमाश को दे दबोचा। ये तो हुई चोरों की बात, लेकिन क्या कभी आपने पुलिस को चोरी करते हुए देखा है? लखनऊ के एक मॉल में इस पुलिस वाले ने पूरी कौम को शर्मसार करने का काम किया है, जो अपनी वर्दी के नीचे तीन तीन शर्ट चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए धर लिया गया। फर्जी दारोगा मगर असली रुबाब। मुकेश यादव नाम का यह फर्जी दारोगा गाजियाबाद का रहने वाला था, जो अपनी अनफिट बॉडी पर पुलिस की ये वर्दी इसलिए फंसा फंसा कर पहनता था ताकि भोली वाली जनता से उगाही करके थोड़ा सा पैसा कमा सके। लेकिन इस मोटे दरोगा की दादागिरी यहाँ नहीं चल सकी और साहब धर लिए गए। फिर जो हुआ वह आपके सामने है। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गाजियाबाद के रहने वाले हो। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो? कार क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए। तुम्हें नहीं पता है कि क्या होती है इंस्पेक्टर वगैरह की पद वगैरह? तुम्हें नहीं पता कैसे भर्ती होते हैं पुलिस में? नहीं पता। तो वैसे ही बन गए फिर तुम पुलिस वाले? क्यों बन गए? टोल टैक्स बचाने के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए बन गए? तो दोस्तों, आपको इन तरह तरह के चोरों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।